आज से 5000 साल पहले श्री राधा ने एक बहुत ही अद्भुत स्थान का निर्माण किया था। दोस्तों, आज तक आपने ऐसे बहुत सारे जगहों के बारे में सुना होगा जिसका निर्माण स्वयं श्री कृष्ण ने किया है, लेकिन आज के वीडियो में आप एक ऐसे स्थान के बारे में जानेंगे जिसका निर्माण स्वयं सर्वेश्वरी राधा ने किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गोलोक में श्री कृष्ण व्रिजा यानी यमुना के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे और उस वक्त श्री कृष्ण का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए श्री राधा अपनी सखियों के साथ एक अद्भुत जगह का निर्माण करती है। एक ऐसा सुंदर स्थान जहाँ के पक्षियाँ भी श्री कृष्ण का नाम जाप करती थी और बहुत ही ज्यादा दिव्य सुंदर स्थान था। उस स्थान पर श्री कृष्ण को बुलाने के लिए सर्वेश्वरी श्री राधा बांसुरी बजाना प्रारंभ करती है और बांसुरी की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं। श्री राधा के द्वारा ऐसा सुंदर अद्भुत स्थान अपने लिए निर्माण किया हुआ देख श्री कृष्ण के आँखों में अश्रु आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण उस स्थान को नाम देते हैं नवदीप। इसके बाद श्री राधा के साथ श्री कृष्ण ने यहाँ अपना युगल रूप भी दिखाया। हमारे प्यारे दोस्तों, चाहे दामोदर लीला हो या फिर हो वृंदावन का निर्माण या हो नवदीप, ये सारे घटनाक्रम पृथ्वी लोक पर होने से पहले गोलोक में पहले ही घट चुका था। कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।